हेलो एवरीवन, आज हम लोग परसेप्शन की बात करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अटेंशन की बात किया था, उसके मॉडल्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। और लेक्चर टू जो सेकेंड लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग परसेप्शन की बात करेंगे। और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रोसेसिंग अप्रोचेस हैं परसेप्शन में। और पहला तो ये प्रोसेसिंग अप्रोच है, दूसरा गेस्टाल्ट अप्रोच है। तो प्रोसेसिंग अप्रोच को पहले समझते हैं। एक तो होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें हम किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ओवरऑल देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। एज अ होल हम चीज़ों को देखते हैं और इसमें जो एम्फेसिस होता है वो परसीवर के ऊपर होता है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काम करता है। जैसे कि अगर आपने किसी डॉग को देखा तो आप एज अ होल डॉग को देखेंगे, ना कि उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ध्यान देंगे कि डॉग बार्क्स एंड डॉग हैज फरी, डॉग इज अ फरी एनिमल, डॉग हैज फोर लेग्स, इस तरह से नहीं देखेंगे आप, एज अ उसको डॉग परसीव करेंगे। तो दिस इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग और ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और आपका जो सेट है उस पर डिपेंड करता है। फिर बॉटम अप क्या होता है, बॉटम अप में जो फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई होते हैं पहले हम उसको परसीव करते हैं। जैसे इफ यू सी अ डॉग, यू सी इट्स फीचर्स कि डॉग बार्क्स, उसके वो बहुत बहुत सारे लोग को अगर डर लगती होगी डॉग से तो वो बहुत डेंजरस है, उसके जो फीचर्स हैं पहले हम उस पर फोकस करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये डॉग है। तो ये होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। व्हेन यू फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ द स्टिमुलाई, इट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। एंड इफ यू द होल एम्फेसिस इज ऑन यू, मीन्स हाउ डू यू परसीव और हाउ डू यू सी द ऑब्जेक्ट, इट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। सो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, टॉप डाउन और बॉटम अप, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग जो होती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अप्रोच काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, दोनों जो प्रोसेसिंग है वो एक साथ मिलकर काम करती है। फिर हम लोग देखेंगे परसीवर, परसीवर के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन पर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन एज वी नो कि जो हमारी नीड्स होती हैं और जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो एक ड्राइव पैदा करती हैं, एक तरह से हम किसी चीज़ को मोटिवेट होते हैं करने के लिए, फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। तो जो मोटिवेशन होता है, हम हमारे अंदर कोई डिज़ायर है, हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो ये हमारे परसेप्शन पर इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप भूखे हैं और आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, वो पिक्चर्स अगर वेग भी होंगी तो उसमें आप कहीं ना कहीं फूड को परसीव करेंगे। तो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ योर हंगर जो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई जाती है, या ऐसे भी अगर आप भूखे होते हैं तब बाहर अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको खाने से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, तो आपका जो परसेप्शन है वो आपके मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस होता है। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्चुअल सेट की। हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें ये देखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको A 13 और D दिया जाए तो आप इसको 13 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको B पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले से पता है, हमारा सेट है, ये परसेप्चुअल सेट है, बचपन से हमने पढ़ा है कि A B C D इस तरह से होता है, सॉरी ये C होगा, तो A B C होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा परसेप्चुअल सेट, हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है पास्ट के वो काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि परसेप्चुअल सेट और एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपेक्टेशंस हमारे जो परसेप्शन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट डालते हैं। फिर हमारी कॉग्निटिव स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, उन क्वेश्चंस की एनालिसिस भी करेंगे। तो कॉग्निटिव स्टाइल्स में मेनली दो है, एक तो फील्ड डिपेंडेंट होता है, दूसरा फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। तो जो फील्ड डिपेंडेंट होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज अ होल देखता है, ओवरऑल देखता है, उसके ऊपर ग्लोबल होलिस्टिक मैनर, मतलब उसके ऊपर वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को नहीं कलेक्ट करता है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है तो वो उसको एज अ होल देखकर कंक्लूजन पे पहुंचता है। लेकिन फील्ड इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो लोग अपनी जो उनकी कॉग्निटिव स्टाइल होती है, वो जब कोई उनके सामने मैसेज या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको पहले वो एनालाइज करते हैं, उसकी स्मॉलर यूनिट पर ध्यान देते हैं, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मान लीजिए ये कुछ ट्रायंगल्स हैं, अगर फील्ड डिपेंडेंट जो होगा वो इन ट्रायंगल्स, उनसे पूछा जाएगा कि इन ट्रायंगल्स को काउंट करिए, तो वो ओवरऑल एज अ होल देखेंगे तो देयर आर 3 ट्रायंगल्स इन दिस पिक्चर।
लेकिन जो फील्ड इंडिपेंडेंट होगा उसको देखे, वो ऐसे नहीं देखेगा कि बस 1 2 3 देर आर 3 ट्राइंगल्स, वो उसके अंदर भी जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको भी काउंट करेंगे। 3 तो ये हो गए, फिर 4 5 6 7, तो पूरा एनालिसिस होगी उसकी, छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स के उसको भी देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इतने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो फील्ड इंडिपेंडेंट्स चीजों को बहुत अच्छे से छोटे छोटे उसमें एनालाइज करके तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि आगे कि कैसे कुछ स्टडीज हैं, कल्चरल स्टडीज, जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग परसेप्शन को पढ़ेंगे और परसेप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो यूजीसी में पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से यूजीसी ने क्वेश्चन नहीं किया हो। तो हर टॉपिक परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हमारा प्रोसेसिंग अप्रोच हो गया। अब हम लोग गेस्टॉल्ट अप्रोच की बात करेंगे परसेप्शन में, कि गेस्टॉल्ट अप्रोच का क्या कहना है। गेस्टॉल्ट अप्रोच का एज यू नो कि ये लोग पूरे ओवरऑल होल की बात करते हैं। दिस से दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जब हम कुछ परसीव करते हैं, जब हम कुछ देखते हैं, तो चीज़ों को एज अ होल देखते हैं, पूरा देखते हैं, ये नहीं कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में देखें। तो ये गेस्टॉल्ट अप्रोच है परसेप्शन का, कि किसी भी चीज़ को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो दैट इज द गेस्टॉल्ट अप्रोच टू परसेप्शन। ठीक है, इनके जो मेन फाउंडर्स हैं वर्दाइमर, कोहलर और कोफका, ये तीन नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये गेस्टॉल्ट अप्रोच के तीन मेन फाउंडर्स हैं। फिर कुछ लॉज हैं जो गेस्टॉल्ट अप्रोच में जो काम करते हैं, जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके देखते हैं, ग्रुप बनाकर देखते हैं, पूरा ओवरऑल देखते हैं, तो वो उसमें कुछ लॉज काम करते हैं। वो क्या लॉज है? पहला है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो नियर होती हैं एक दूसरे के, वो एक ग्रुप की तरह परसीव होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक साथ हैं तो ये एक ग्रुप की तरह परसीव की जाएंगी, ये एक साथ हैं तो ये एक ग्रुप की तरह परसीव की जाएंगी, और ये एक साथ हैं तो ये एक ग्रुप के साथ। इसमें अगर आप देखें तो एक फिगर डिफरेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो हम लोग पास की चीज़ों को एक साथ उसको एक ग्रुप में परसीव करते हैं। फिर सिमिलैरिटी में क्या आता है? सिमिलर चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं, एक ग्रुप में देखी जाती हैं। इसमें देखिए, इस फिगर में अगर इसको देखा जाए तो सर्कल की वजह से ये एक ग्रुप है, कलर की वजह से ये एक ग्रुप है, फिर ये इसमें एक साथ है, सिमिलैरिटी नहीं है इसमें, लेकिन ये साथ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी वाला पास की चीज़ें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप कलर की वजह से अलग बन सकता है और यहाँ पर शेप की वजह। तो प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? जिसमें चीज़ें एक दूसरे के पास होने की वजह से एज अ ग्रुप देखी जाती है। सिमिलैरिटी में सिमिलर चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं, तो ये दोनों में फ़र्क होता है, सेम चीज़ें। फिर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक सिंपल स्ट्रेट कर्व लाइंस, जो भी लाइंस हैं उस वे में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, स्मूथ पाथ होता है उसमें देखते हैं, तो ये होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर आप देखें कि जैसे मान लीजिए एक लाइन आपको दे दी जाए ऐसे, तो आप इसमें इसको एक वे की तरह बनाएंगे, ए बी सी डी, ना कि चार लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है इस तरह से, एक कंटिन्यूएशन बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, आप किसी चीज़ को कंटिन्यूटी में देखते हैं। फिर लॉ ऑफ कॉमन फेट, इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको एज अ ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप की तरह हम लोग लेते हैं और उसको परसीव करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे कि जो गीज बर्ड्स होती हैं या बर्ड्स का जो पूरा झुंड जो चलता है आसमानों में उड़ता है, तो आप उसे एज अ ग्रुप देखते हैं, ना कि अलग अलग एक एक चिड़िया को देखते हैं। फिर अगर फायर फाइटर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, अगर फाइटर प्लेन्स हैं तो वो अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है एक साथ एक ग्रुप में जब जाते हैं आप आसमान में देखेंगे तो एक ग्रुप क्रिएट होता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाते हैं तो हम उसे एज अ होल देखते हैं। फिर लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ प्रेगनेंस का मतलब होता है लॉ ऑफ गुड फिगर, और इनका जो मेन होता है वो चीज़ों को बहुत सिंपल करके देखते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी भी बोलते हैं। जैसे कि जो ये आपके पास फिगर है, इसमें अगर आप देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो सिंपली ये फाइव सर्कल्स हैं, देर आर फाइव सर्कल्स इन दिस फिगर।
ये इसका एज सिंपल एज पॉसिबल व्यू है कि ये 5 है। अगर इसको आप कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे, बहुत उससे देखना चाहेंगे तो इसमें से कौन सा एक साथ इंटरकनेक्टेड है, कौन सा इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो उस तरह से आप देखेंगे। तो लेकिन ये जो लॉ ऑफ प्रेगनेंस ये है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आसान तरीके से सिंपल बनाकर देखना चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड की बात करते हैं। इसमें जो है रूबिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो फिगर बन जाता है और जिसको नहीं फोकस करते हैं वो बैकग्राउंड हो जाता है। जैसे कि इफ़ यू फोकस ऑन द वाइट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर, ये जो वास है उसको देखेंगे तो ये फिगर है। इफ़ यू फोकस ऑन द ब्लैक पार्ट ऑफ द पिक्चर, ये दो फेस हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये फिगर हो जाएगा और वास बैकग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप फेस को देखेंगे लेकिन अगर आप वास को देखेंगे तो फेस बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो यही लॉ ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड होता है, जो चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो फिगर होता है और जिस पर नहीं फोकस करते हैं वो बैकग्राउंड हो जाता है। ये हमारा लॉज ऑफ हो गए। तो हम लोगों ने प्रोसेसिंग अप्रोच देख लिया, बॉटम अप एंड टॉप डाउन गेस्टाल्ट के लॉज देख लिए। अब हम लोग कॉन्स्टेंसी की बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टेंसी होती है, जैसे साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। ये तीनों कॉन्स्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो साइज कॉन्स्टेंसी क्या होती है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो अगर पास से देखेंगे या दूर से देखेंगे तो उसका जो साइज है वो एज इट इज ही रहेगा। मीन्स अगर आपने किसी आपका कोई फ्रेंड है मान लीजिए और आपने उसको बालकनी से बाय आप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इमेज हमारी रेटिना पर छोटी पड़ेगी उसकी डिस्टेंस की वजह से, लेकिन हम अपने फ्रेंड को उसकी जितनी हाइट है उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही उसको परसीव करेंगे। तो ये होता है साइज कॉन्स्टेंसी। हम साइज में चेंजेस नहीं करते हैं, हम अपनी आइज को अब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह से एडजस्ट करता है कि हमें पता होता है इस पर्टिकुलर चीज़ की साइज इतनी है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। फिर हम लोग शेप कॉन्स्टेंसी देखते हैं। शेप कॉन्स्टेंसी, अगर आपके रूम में डोर है या कोई भी चीज़ है तो आप उसे अगर डिफरेंट एंगल से देखेंगे उसका शेप नहीं चेंज होगा। आप किसी कॉर्नर से खड़े होकर देखिए, उसके राइट साइड में जाकर, लेफ्ट साइड में, उसका शेप एज इट इज रहेगा। तो शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है, शेप जो फॉर्म होता है चीज़ों का वो चेंज नहीं होता है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन से देखें। फिर ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी क्या होती है, अगर आप किसी कलर को किसी डिफरेंट लाइट में देखें, डिफरेंट ब्राइटनेस में देखें, तो वो कलर एज इट इज परसीव होगा। ऐसा नहीं कि रेड कलर को अगर आप डार्क में देखेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे चेंज होता भी है, आपको इमेज मिलती भी है कि ये कलर इस लाइट में हल्का सा अलग दिख रहा है, लेकिन नहीं, आपको पता है कि ये कलर रेड है या ग्रीन है। आपने ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कुछ लाइट्स में कुछ कलर्स चेंज हो जाते हैं, बट यू स्टिल परसीव द राइट कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। ठीक है, तो ये आपका ब्राइटनेस हो जाता है, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। हम लोगों ने कॉन्स्टेंसी की बात कर लिया, तीन कॉन्स्टेंसी है। फिर हम लोग आ जाते हैं डेप्थ क्यूज। जो परसेप्शन होता है वो टू डायमेंशनल नहीं होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल में स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस आता है। अगर हम लोग ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस यूजीसी में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, चेंज कर करके भी पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमाकर दोबारा दोबारा इस तरह से भी पूछे गए हैं, रिपीट करके भी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम लोग अगर देखें तो अगर हम थर्ड डायमेंशन की बात करें, जो डिस्टेंस और डेप्थ है वो हमारी आइज कैसे देखती हैं, वो दो तरह से हमारी आइज से ही देखेंगे। तो पहला, अगर आप एक आइज से कोई भी चीज़ देख सकते हैं तो वो आपका मोनोक्यूलर हो जाता है, और दूसरा दोनों आंखों से देखते हैं तो वो बाइनोक्यूलर हो जाता है। ये जब हम लोग किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो कुछ क्यूज जनरेट होते हैं, तो उन क्यूज की वजह से हम लोगों को डेप्थ का या डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, जो क्यूज मिलते हैं हमें, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उन क्यूज से हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग मोनोक्यूलर क्यूज की बात करेंगे। मोनोक्यूलर क्यूज साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें हमारे एक्सपीरियंसेस काम करते हैं और हम लोग, हमारा जो अलग अलग सेट है, मेंटल सेट है, वो सब काम करता है। और इसमें जो है क्या क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें ये याद रखिएगा कि मोनोक्यूलर क्यूज साइकोलॉजिकल होते हैं और एक आंखों से देखे जाते हैं। ठीक है, वन आईज के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब आप अगर एक आंख से देखेंगे तो भी आपको इसके क्यूज मिल जाएंगे। और ये जो होते हैं पिक्टोरियल क्यूज होते हैं। पिक्टोरियल क्यूज का मतलब
इन्हें अगर आप पिक्चर्स में इंट्रोड्यूस करना चाहें, अगर आप कोई ड्राइंग बनाए या कुछ फिगर बनाना चाहें, तो उसमें भी आप इन क्यूज को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पिक्टोरियल होते हैं। फिर हम लोग पहला बात करते हैं रिलेटिव साइज का। रिलेटिव साइज क्या होता है? जब हम दो चीजें देखते हैं उनकी जो साइज होती है, वो जो हमारी इमेज पड़ती है उस साइज की, उसकी वजह से हमें साइज का डिस्टेंस का पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए ये दो, एक टॉलर और एक शॉर्टर आदमी है हमारे सामने, दो लोग हैं, और इनके जो बड़ा वाला है वो हमें नियर दिखेगा और जो छोटा वाला है वो हमें दूर दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इनकी साइज की वजह से हो रहा है। तो हमें जो डिस्टेंस का यहाँ पे पता चल रहा है वो क्या हो रहा है, जो बड़ा है उसकी इमेज हमारी रेटिना पर क्या पड़ रही है, जैसे जैसे पास आ रहा है रेटिना की इमेज बड़ी बन रही है, वो नियर समझ में आ रहा है, और जो जैसे जैसे दूर जा रहा है उसकी इमेज हमारी रेटिना पर स्मॉल पड़ रही है, तो वो डिस्टेंट होता जा रहा है। तो ये होता है रिलेटिव साइज। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें जब कई ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं आपके डे टू डे लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जो आगे ओवरलैपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स, जो आगे होता है वो हमें पास में दिखाई देता है, और जो पीछे होता है, जो कवर्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें दूर दिखाई देता है, वो हमसे दूर होता है। तो इससे हमें डिस्टेंस का कैसे पता चलता है? अगर दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड हो रहे हैं तो जो आगे वाला है वो हमें अपने से पास लगेगा, और जो कवर्ड है वो पीछे की तरफ लगेगा कि वो थोड़ा हमसे दूर है। तो उसमें जो है डिस्टेंस का हमें पता चलता है। मोनोक्यूलर क्यूज जो है वो डिस्टेंस और डेप्थ के लिए है। तो इसमें जितने भी चीज़ें आ रही हैं, जो रिलेटिव साइज हैं या इंटरपोजिशन है, ये सारी चीज़ें हमसे हमें डिस्टेंस का पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसमें आपका असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन अगर आप देखें, स्पेशली जो ट्रेन की ट्रैक होती है उसको, जैसे जैसे आगे चलती हैं ये एक दूसरे से कन्वर्ज होती हुई लगती है। ऐसा सच में नहीं होता है, ये सच में नहीं कन्वर्ज होती है, बट दे सीम टू कन्वर्ज विद ईच अदर। और जितना ये आगे जाती है उतना ज़्यादा कन्वर्ज होती है, और इससे हमें डिस्टेंस पता चलती है। जहाँ पे कन्वर्जेंस ज़्यादा होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, और जितना कन्वर्जेंस कम होता है वो हमारे पास में होता है। और एक जगह पे पहुँच कर ये लाइन्स एक दूसरे से ऐसा लगता है मिल गई हैं, और उसके आगे फिर नहीं दिखाई देता है, तो ये होता है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसमें दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से मिलती हुई लगती हैं, और उनके कन्वर्जेंस की वजह से ही हमें डिस्टेंस का पता चलता है। अब हम लोग एरियल पर्सपेक्टिव देखते हैं। एरियल पर्सपेक्टिव में क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है। तो जब एरियल पर्सपेक्टिव होता है उसमें हमें, अगर हमारा एटमॉस्फेयर में डस्ट है, ब्लर इमेज आ रही है, तो हमें चीज़ें दूर दिखाई देंगी, क्लियर नहीं दिखाई देंगी और दूर लगेंगी। तो इससे हमें डिस्टेंस का पता चलेगा। अगर कोई पिक्चर कम क्लियर, कोई पिक्चर दिख नहीं रही है ठीक से, क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लरी सी है, तो इसका मतलब वो हमसे दूर है। और जितनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती जाएगी उतना वो हमें पास लगती जाएगी। अगर आप ये देखें, एक ब्लरी इमेज है आपके पास और एक क्लियर इमेज है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जो क्लियर पिक्चर है वो हमें लग रहा है सब चीज़ें हमारे पास हैं, इसमें भी अगर ये ब्लर वाला चीज़ है तो वो हमें दूर लग रहा है। उसी तरह इसमें जो ब्लर है वो हमें दूर लग रहा है, और जो ये थोड़ा बहुत क्लियर है वो पास है। तो इससे हमें क्या पता चलता है एरियल पर्सपेक्टिव से, कि जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा इमेज ब्लर नहीं होगी, उतना हमें अपने पास लगेंगी चीज़ें। तो इससे भी हमें डिस्टेंस का क्यू मिलता है। अब हम लोग लाइट और शेड की बात करते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो हाइलाइटेड हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जिस पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, वो हमें अच्छे से दिखाई देगा क्लियर, तो वो हमें अपने पास लगेगा। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया ब्लर इमेज है तो वो दूर लगेगी, तो उसी तरह से अगर लाइट अच्छे से नहीं पड़ रही किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो हमें दूर अपने से लगेगा, डिस्टेंट लगेगा। उसी तरह अगर आपका जो शेडो पड़ रही है, जितनी ज़्यादा डार्क शेडो होगी उतना ज़्यादा वो इमेज अपने पास में लगेगी, और जैसे जैसे इमेज जो है दूर जाती जाएगी, जो उसकी शेडो होगी वो भी ब्लर होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमें शेडो से भी डिस्टेंस पता चलती है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये बहुत क्लियर दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, नियर दिख रहा है, और ये ब्लर है, तो
तो ये आपको दूर दिख रहा है, इससे भी आपको डिस्टेंस का पता चल रहा है। अब हम लोग रिलेटिव हाइट की बात करते हैं। रिलेटिव हाइट और रिलेटिव साइज एक ही जैसा है, बस उसमें हम लोग साइज देखते हैं ऑब्जेक्ट का, कि साइज की वजह से हमें डिस्टेंस का पता चल रहा है। और इसमें हाइट, अगर इसमें हाइट, एक्चुअल हाइट नहीं मैटर करती है कि कोई कितना टॉल है या स्मॉल है, बट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा वो हमें इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर जैसे आप इसमें देखें कि ये आईफिल टावर, हम लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, और ये पास में हमारे दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, बल्कि ये छोटा है। तो ये हाइट की वजह से एक तरह से हमें परसेप्शन डिस्टेंस का क्यू मिल रहा है कि ये पास में है, ये बड़ा है इसलिए हमें पास दिख रहा है, और ये छोटा दिख रहा है इसलिए ये हमसे दूर है। अब हम लोग टेक्सचर ग्रेडियंट्स की बात करते हैं। टेक्सचर जो होता है वो भी हमें डेप्थ क्यू देता है, जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है। जैसे जैसे कोई भी टेक्सचर हमसे दूर होता जाता है, वो हाईली डेंस हो जाता है, उसमें डेंसिटी बढ़ जाती है, क्लैरिटी कम हो जाती है, और नंबर्स उसके ज़्यादा लगने लगते हैं, और जैसे जैसे वो हमारे पास आता जाता है बहुत क्लियर दिख रहा है, और उसमें क्या होता है कि हमारी जो है डेंसिटी जो है बहुत कम हो जाती है और वो हमें पास लगता है। तो ये हमारे नियर लग रहा है और ये हमारे दूर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये हाईली डेंस है और ये बहुत कम डेंस है, तो इससे भी हमें डिस्टेंस का पता चलता है। तो अभी हम लोगों ने जो बात की वो सारा पिक्टोरियल क्यूज था। ऊपर का जितने भी हम लोगों ने मोनोक्यूलर क्यूज की बात किया था वो सारे पिक्टोरियल थे। अब ये वाला जो क्यू है मोशन पैरेलैक्स, इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है उसमें हमें कुछ क्यूज मिलते हैं जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है। जैसे कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ये बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा यही कोट किया जाता है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में, ट्रेन में, किसी में भी, तो जब आप जो आपके पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आप इसमें देखें, ये जो पास की चीज़ें हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो दूर की चीज़ें हैं वो सेम डायरेक्शन में, और इनकी स्पीड भी डिफर करती है। ये जो पास वाली चीज़ें हैं ये बहुत धीरे, बहुत तेज़ी से मूव करेंगी, और ये जो दूर वाली चीज़ें हैं बहुत धीरे धीरे आप ही की डायरेक्शन में सेम चलेंगी। तो इनके जो स्पीड है और इनकी जो डायरेक्शन है, इससे भी हमें डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि जो ये मूवमेंट होता है, ये मोशन होता है, वो काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये देखिए कि इसमें भी एक तरह से डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है पिक्टोरियल क्यूज से। जैसे कि इसको पास में दिखाया गया है तो इसे आगे कर दिया गया है, और इसे थोड़ा पीछे करके, ओवरलैपिंग करके इसको दिखाया गया है कि ये हमसे दूर है और ये पास है। तो होप कि आपको मोशन पैरेलैक्स समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने मोनोक्यूलर क्यूज की बात किया था, जो एक आंखों से देखा जाता है। अब हम लोग बाइनोक्यूलर क्यूज की बात करेंगे। इसमें दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ती है और ये फिजियोलॉजिकल होता है। इसमें हमारी आईज की जो चेंजेस होते हैं रेटिना पर, उसकी जो मसल्स हैं लेंस पर, उसकी वजह से क्यूज डेवलप होते हैं और ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर हमें डिस्टेंस का पता चलता है। जैसे कि रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, जो हमारी आईज हैं दोनों 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेपरेट हुई हैं, और जब ये किसी चीज़ को देखती हैं तो दोनों आईज पर इमेज जो पड़ती है वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ती है। देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द इमेजेस ऑफ टू आईज, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। व्हेन यू सी फ्रॉम द लेफ्ट आईज तो इस तरह की इमेज दिखाई देगी, आपकी जो फिंगर है इस पे पॉइंट होगी, और जब राइट आईज से देखेंगे तो इधर हो जाएगी। ऐसा आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, इसको करके भी देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये रेटिनल डिस्पैरिटी है, जो हमारी रेटिना पर इमेज पड़ रही है उसमें डिफरेंस आ रहे हैं, उसकी वजह से आ रही है। तो इससे क्या है पता चल रहा है हमको कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो रेटिना है उस पर जो है डिस्पैरिटी ज़्यादा कम होगी क्लोज ऑब्जेक्ट पे, और जैसे जैसे चीज़ हमसे दूर जाती जाएगी, जितनी दूर होगी तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिस्पैरिटी दिख रही है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डिस्पैरिटी जो जैसे जैसे दूर होगी तो डिस्पैरिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा डिस्पैरिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आपका इससे हमारे ब्रेन को क्यूज मिलते हैं और हम इसको जो है डिस्टेंस में परसीव करते हैं, डिस्टेंस को परसीव करते हैं। फिर हम लोग कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारी आईज जो होती हैं वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होती हैं, इनवर्ड की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आईज को जो इमेजेस पड़ रही हैं रेटिना पर उसको ठीक से प्रॉपरली देखने के लिए अंदर की तरफ कन्वर्ज होती हैं। तो ये जो होता है कन्वर्जेंस, इससे भी हमें
चीजों का पता चलता है कि वो पास में है कि दूर में। जैसे कि जब आप अपनी फिंगर को पॉइंट करके अगर देखेंगे तो जैसे जैसे वो पास आती जाएगी आपकी आईज बहुत ज्यादा कन्वर्ज होगी, उस पर स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो चीज हमारे बहुत पास है। और अगर जैसे जैसे दूर जाएगी तो आपकी आईज रिलैक्स होंगी, वो बिल्कुल आराम से देखेंगी उस चीज को, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो दूर है हमारे। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, इससे भी हमें डिस्टेंस का पता चलता है। ये सारे क्यूज हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, फिर ब्रेन से सिग्नल मिलता है, तब हमें पता चलता है कि वो चीज पास में है या दूर में है। अब हम लोग एकोमोडेशन की बात कर लें कि जो इमेजेस हमारी रेटिना पर पड़ती हैं वो सिलियरली मसल्स की हेल्प से हमारे लेंस को क्या करती हैं, या तो थिक कर देंगी, या तो थिक कर देंगी, या तो थिन कर देंगी। अगर हम दूर की चीजें देखेंगे तो हमारी जैसे आईज रिलैक्स हो जाएंगी तो हमारा लेंस क्या होगा, अपना रिलैक्स होकर पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चीज़ हमारी पास आती जाएगी वैसे वैसे हमारा लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी, और इससे हमें पता चलेगा, ये मैसेज जाएगा ब्रेन को, तो ये पता चलेगा कि कोई पास की चीज़ हम देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो थिक हो गया है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है। तो इससे भी हमें डिस्टेंस का पता चलता है, पास और दूर का। ठीक है, तो हम लोगों ने मोनोक्यूलर क्यूज कर लिया, बाइनोक्यूलर क्यूज कर लिया, अब हम लोग कुछ MCQs को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है विजुअल वेरिएबल्स कलर है, इसको हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे, कलर, इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस। तो कलर का रिलेशन किससे होता है, वेवलेंथ से होता है, साइकोलॉजिकल होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो पी का 4 हो जाएगा। इल्यूमिनेशन क्या होता है, जहाँ पर लाइट पड़ती है, आपने भी देखा होगा इल्यूमिनेशन लाइटिंग होती है जहाँ पर, वो होता है। ल्यूमिनेंस क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही होती है, जो सोर्स ऑफ द लाइट होता है। और ब्राइटनेस क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है। तो अगर आप MCQs को सॉल्व करने में चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे और मैच द फॉलोइंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जैसे P का 4 है अगर, तो P के 4 में 2 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिगर ग्राउंड का रिलेशनशिप किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, अभी हम लोगों ने बात किया रूबिन ने, आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग असर्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लार्जर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, जितना ज्यादा बड़ी इमेज हमारी रेटिना पर पड़ेगी द क्लोजर इट इज जज टू बी, ठीक है, वो हमसे उतना ही पास लगेगी। इन एडिशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन अदर ऑब्जेक्ट इट इज अदर परसीव्ड एज ऑफन परसीव्ड एज क्लोज, ठीक है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए वो बड़ा दिख रहा है तो वो भी हमें पास दिखेगा। तो ये सही है, ट्रू है, इज इट, यस दिस इज ट्रू। फिर रेटिनल डिस्पैरिटी प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन, जो रेटिनल डिस्पैरिटी होती है अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा, ये डेप्थ परसेप्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्यू प्रोवाइड करती है, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है ऊपर वाले को, ठीक है, इसमें इमेजेस की डिस्टेंस पता चल रही है और जो एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस से रिलेटेड है इसमें डिफरेंसेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे रेटिनल डिस्पैरिटी की बात हो रही है, तो दोनों सही तो है पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप उसको कंप्लीट करके देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये एक सर्कल है जो डॉट डॉट्स में है, लेकिन फिर भी आप इसे कैसे देखेंगे, कंप्लीट एक सर्कल की तरह, तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ टेक्सचर ग्रेडियंट जो होता है टेक्सचर से रिलेटेड होता है, लॉ ऑफ मूवमेंट और थॉर्नडाइक की बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग परसेप्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर परसेप्शन की बात हो रही है थॉर्नडाइक का उसमें आएगा ही नहीं, और मूवमेंट इसमें हो नहीं रहा है, इसमें मूवमेंट की बात नहीं हो रही, तो लॉ ऑफ क्लोजर वुड बी द राइट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वी परसीव थिंग एज वी आर एंड नॉट एज दे आर, हम जो चीजें देखते हैं अपने हिसाब से देखते हैं ना कि उन चीजों के हिसाब से, तो क्या होगा, हमारा परसेप्शन मिस इंटरप्रिटेड हो जाता है, नहीं ये तो इल्यूजन क्रिएट करेगा। फिर हम लोग जो है अपने इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं वो हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने मोटिवेशन की बात ऊपर किया था, तो हमारा परसेप्शन जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे मोटिव से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्जेंस लाइन वाला, वो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कन्वर्ज होती हुई लगती हैं, वो एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हमें लगता है कि वो आगे जाती हैं तो कन्वर्ज हो रही है, तो ये होता है लीनियर पर्सपेक्टिव। एरियल की हम लोगों ने बात किया है, मोशन पैरेलल्स की भी बात किया है, मूवमेंट से रिलेटेड है। पोन्जो इल्यूजन क्या होता है? ये हमारा जो लीनियर पर्सपेक्टिव है इसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, और ये जो दो लाइन्स हैं इक्वल लाइन्स हैं, एक दूसरे की बराबर लाइन है, लेकिन इल्यूजन की वजह से ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है और ये वाली लाइन छोटी दिख रही है। अगर आप इसको मेजर करिए तो ये देखिए ये दोनों लाइन इक्वल है, तो यही होता है पोन्जो इल्यूजन। इल्यूजन्स की बात हम लोग कल करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन इज रॉन्ग। तो ऑल्फैक्ट्री स्मेल से रिलेटेड है, ऑडिटरी हियरिंग से रिलेटेड है, ये भी सही है। क्यूटेनियस जो है फीलिंग ऑफ पेन प्रेशर कोल्ड एंड वार्म से रिलेटेड है, ये भी सही है। गस्टेटरी विजन से रिलेटेड है, गस्टेटरी जो रिलेटेड है वो आपके टेस्ट से रिलेटेड है, और विजन से ऑप्थैल्मिक वाला होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया दैट वी मे बी रेडी एंड प्राइम्ड। हम किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हैं या प्राइम्ड हैं, तो ये सेंसरी इनपुट को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे? सेट बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने के लिए, तो इसको सेट बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ प्रेगनेंस। अभी हम लोगों ने बात किया था लॉ ऑफ प्रेगनेंस और गुड फिगर की, तो ये चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके देखता है, इसका मतलब होता है। तो एम्बिगुअस स्टिमुलाई को करता है, नहीं ये तो नहीं होगा। हम लोग इसमें जो प्रेगनेंस होता है गुड फिगर का है, तो इसमें हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो सब ऑप्टिमल कंडीशन शेडेड और ओवरलैप नहीं, इसमें हम लोग टेंडेंसी टू परसीव द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फिगर ऑल पॉसिबल, तो आंसर वुड बी सी। लॉ ऑफ प्रेगनेंस हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखता है, गुड फिगर की तरह देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पैरेलैक्स इज द रिलेटिव अपेरेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द विजुअल फील्ड एज व्यूअर मूव्स हिज हेड। ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि जब हम लोग अपना ट्रैवल करते हैं हमने देखा है तो ये ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, फिर मोशन पैरेलैक्स इज अ मोनोक्युलर स्पेशियल क्यू, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन क्या ये इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है सही तरीके से? नहीं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि स्पेशियल क्यू है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि मोशन पैरेलैक्स जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर होगा दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर वुड बी बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल क्लिफ इज अ लेबोरेटरी मेथड फॉर टेस्टिंग डेप्थ परसेप्शन। विजुअल क्लिफ एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें छोटे बच्चों पर किया गया था, इन्फेंट्स पे किया गया था, और इसमें देखा गया था कि क्या छोटे बच्चों पर डेप्थ का परसेप्शन होता है या नहीं। तो उन्होंने देखा कि बच्चों पर, छोटे बच्चों पर डेप्थ का परसेप्शन, डेप्थ का परसेप्शन होता है, वो भी परसीव कर सकते हैं डेप्थ। तो जहाँ पे आगे डेप्थ थी, गहराई थी, बच्चे आगे नहीं मूव किए थे, आगे नहीं बढ़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आगे मूव करेंगे तो गिर जाएंगे। हालांकि उनकी माँ उनको उधर से बुला रही थी, लेकिन आगे जो डिस्टेंस था, जो डेप्थ थी, उस पर बच्चों ने आगे नहीं बढ़े। इससे पता चलता है कि छोटे बच्चों में भी 6 मंथ के बाद इसमें क्या होता है, बच्चों में भी डेवलप हो जाता है। फिर हमारा जो इनपुट हमें मिलता है हमारे सेंसरी रिसेप्टर से, वो क्या स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन कैसे होता है? सेलेक्टिव प्रिंसिपल से, गेस्टॉल्ट से, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल से, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग। इनमें से परसेप्चुअल ग्रुपिंग में कौन सा नहीं बिलोंग करता है? ग्रुपिंग अभी आपने देखा कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप में बना लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉक्सिमिटी से कर लेते हैं, तो लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड में तो ग्रुपिंग का काम नहीं होता है, उसमें जिस पे फोकस करेंगे वो फिगर हो जाएगा, बाकी ग्राउंड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नॉट पूछा है तो ये आंसर में इंक्लूड होगा। फिर कंटिन्यूएशन होता है, फेट होता है, क्लोजर होता है, प्रॉक्सिमिटी होता है,
तो अब अगर चारों होता है तो अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि वन वन किस में है, वन ए में भी है और डी में भी है, लेकिन फाइव तो नहीं हो सकता है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी जो है ग्रुपिंग कर रहा है एक साथ पास की चीज़ों को, तो ये तो आंसर मतलब ये इसको हम आंसर नहीं मान सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी लॉ ऑफ ग्रुपिंग होता है। लेकिन जो थर्ड वाला है कॉमन फेट, इसमें मूवमेंट होता है, तो इसको हम आंसर समझ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ये दिया है यूजीसी ने, तो इनमें से ही हमें सेलेक्ट करना है। ऐसे तो ग्रुपिंग इसमें भी होती है लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें मूवमेंट भी हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम आंसर मान सकते हैं कि आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऑयल पेंटिंग हो रही है तो उसमें सारे क्यूज दिए जा सकते हैं, सिर्फ कौन सा क्यूज नहीं दिया जा सकता। तो जैसे अभी हम लोग ने देखा कि मोनोक्यूलर क्यूज पिक्टोरियल क्यूज होते हैं, किसी पिक्चर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, तो जो भी मोनोक्यूलर क्यूज होंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लीनियर पर्सपेक्टिव, रेटिनल डिस्पैरिटी, टेक्सचर ग्रेडियंट, ये तीनों हो जाएंगे, लीनियर पर्सपेक्टिव, टेक्सचर ग्रेडियंट और रिलेटिव इमेज साइज, ये तीनों हो जाएंगे। रेटिनल डिस्पैरिटी जो है बाइनोक्यूलर क्यूज है, ये नहीं हो पाएगा इंक्लूड पिक्चर में, इसमें हम लोग रेटिनल डिस्पैरिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, फोटो में उसको शो नहीं कर सकते हैं। दो फिगर अलग अलग करके जैसे अभी दिखाया वो दिखाएंगे लेकिन कितनी कैसे हो रही है वो नहीं दिखा सकते हैं, उसको इंड्यूस नहीं कर सकते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी को। तो इस क्वेश्चन को, इसको आंसर को याद रखिएगा कि जो मोनोक्यूलर क्यूज होते हैं वो पिक्टोरियल होते हैं और उन्हें पिक्चर्स में दिखाया जा सकता है, बाइनोक्यूलर क्यूज नहीं दिखाया जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडीनेस टू मेक अ पर्टिकुलर परसेप्चुअल रिस्पॉन्स और क्लास ऑफ रिस्पॉन्स, एक तरह की जो हम लोग प्रिपेयर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करने के लिए और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड स्टिमुली के लिए, तो वो क्या कहलाता है? विजिलेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि विजिलेंस में हम लोग प्रिपेयर्ड तो होते हैं लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं होता है और ना ही पर्टिकुलर स्टिमुलाय के लिए। स्टिमुलाय तो पर्टिकुलर फिर भी हो जाए लेकिन हमारा रिस्पॉन्स नहीं, तो विजिलेंस नहीं होगा, कॉन्स्टेंसी भी नहीं होगा। कॉन्स्टेंसी में हम लोग शेप और उसकी बात करते हैं कि वो कॉन्स्टेंट होता है लेकिन उसकी इमेज डिफरेंट पड़ सकती है, कलर लाइट सब डिफरेंट हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। परसेप्चुअल सेट होगा सही आंसर, हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलाय में रिस्पॉन्स देने के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। इसको हम इससे समझेंगे, ये वाला एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ए बी सी डी तो इसको बी परसीव करेंगे और जब आप नंबर्स पढ़ेंगे 12, 13, 14 तो इसको 13 पढ़ेंगे, तो ये आपका जो परसेप्चुअल सेट है, जो आप पहले से आपका रिस्पॉन्स का सेट है, पहले से आपको पता है कि ए के बाद बी आता है और 12 के बाद 13, तो इसमें फिगर तो अलग है लेकिन आपका परसेप्शन जो है उसके कॉन्टेक्स्ट या आपके परसेप्चुअल सेट की वजह से इसको आप बी परसीव कर रहे हैं और इसको 13 परसीव कर रहे हैं इधर से, तो ये आपका परसेप्चुअल सेट है, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है, एक पहले से पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर स्टिमुलाय के, ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल सेट। आज के लिए इतना ही, होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एमसीक्यू सॉल्व हो गए होंगे वो भी क्लैरिटी के साथ, और भी कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इल्यूजन की बात करेंगे।